शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष में मची गहमा गहमी के बीच सरकार ने साफ किया कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच होगा। केंद्रीय या कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की बैठक के बाद इस पर मोहर लगी। अमूमन नवंबर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार सत्र नहीं बुलाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी विपक्ष के सवालों से डरकर भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को संसार के रचयिता ब्रह्मा की संज्ञा दे डाली थी। किस प्रकार से नोटबंदी को लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ, किस प्रकार से बगैर सोचे समझी लागू की जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था और छोटे छोटे उद्योगों और उद्यमियों की कमर तोड़ डाली, किस प्रकार के सरकार के मंत्री शंका भरी डील्स के अंदर संलिप्त पाए गए हैं, क्योंकि गुजरात के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो संसद के शीतकाल सत्र को बुलाने से बच रहे हैं। गुजरात इलेक्शन पे इसका परिणाम होगा। बहुत से मुद्दे जो है, डिमोनेटाइजेशन का है, जीएसटी का है, करप्शन का है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को नेचुरली सभी लोग उठाएंगे और उनको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उसी लिए वो नहीं चाहते कि विंटर सेशन बुलाना। शीतकालीन सत्र ना बुलाने के कांग्रेस के आरोप पर वित्त मंत्री जेटली ने जवाब दिया, कहा कि सभी बड़े नेता गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में इस वक्त सदन बुलाने का मतलब नहीं है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान भी कई बार ऐसा हो चुका है। विंटर सेशन either dates have been deferred, altered or broken into two in the past, and therefore we are going to ensure that a regular winter session is held, but elections and the session dates don't overlap. At least we have a lot of stake in this election. I don't know whether our opponents will be busy in the campaign or not, at least we will be busy. वैसे तकनीकी रूप से देखा जाए तो सरकार के पास संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए फरवरी तक का समय है, जब मॉनसून सत्र को समाप्त हुए 6 महीने हो जाएंगे। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने प्रचार अभियान के बीच में नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर संसद में बहस नहीं चाहती, और इसी कारण से वो बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।